तुम मेरी किस्मत। आई लव यू यार। आज हम बात करेंगे फिल्म शिद्दत की, शिद्दत वाला प्यार। फिल्म विक्की कौशल के भाई सनी कौशल और राधिका मदान की है, जिनमें साथ दिया है, जिस फिल्म में उनका साथ दिया है मोहित रायना और डायना पेंटी ने। तो फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 1 अक्टूबर को। तो उससे पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में। सबसे पहले कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है गौतम और ईरा की कहानी से, यानी मोहित रायना और डायना पेंटी की। दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन शादी होती है। शादी होती है तो पार्टी भी होती है। तो शादी के इस पार्टी में गौतम जो है वो एक प्यार के बारे में एक अपनी दिल की बात रखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लाइक अ फेरी टेल। इसका इम्पैक्ट किसी पर हो ना हो, उस पार्टी में मौजूद एक लड़के के मन में, यानी जग्गी, जिसका जो कि विक्की कौशल के भाई सनी कौशल का जो किरदार है, जग्गी के मन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका। वो प्यार के बारे में एक अलग ही परिभाषा उसके मन में छप जाती है, और अपने बारे में वो अपने प्यार के बारे में वो उसी थॉट प्रोसेस से चलता है। फिर उनकी मुलाकात होती है राधिका मदान यानी कार्तिका से, एक स्पोर्ट्स कैंप में। कार्तिका लंदन से आती हैं, उनकी मुलाकात होती है। वो बहुत ही मॉडर्न प्रोग्रेसिव लड़की है, और ये जो हैं जग्गी, इनके मन में प्यार की एक अलग ही दुनिया उन्होंने बसा रखी है। वो अपने प्यार को अलग तरीके से देखते हैं, ये इसे अलग तरीके से एक्सेप्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में प्यार नहीं होता, लेकिन प्यार का जो अंजाम होता है, उसका नज़रिया जो होता है, वो अलग अलग है। अब किस तरीके से जग्गी जो है वो अपना प्यार पाते हैं, नहीं पाते हैं, किस तरीके से वो अपनी जर्नी जो है उनकी, वो बताई गई है इस फिल्म में। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी इसके लिए। परफॉर्मेंसेस की बात कर ले, सनी कौशल, राधिका मदान, मोहित रायना, डायना पेंटी बहुत ही सशक्त स्ट्रॉन्ग किरदार हैं। सनी की देखा जाए तो ये फुल फ्लेज्ड पहली फिल्म है जहाँ पर वो एक प्रोटैगनिस्ट है, और जो एक लव बॉय का किरदार निभा रहे हैं। बहुत ही ऑनेस्टी कहूँगी, उनकी काम करने का तरीका जो है विक्की की याद ज़रूर दिलाता है, क्योंकि ऑनेस्टी है इनमें, एक ऑनेस्टी है इनकी आँखों में। इनका जो किरदार को जिस तरह से वो जीते हैं, वो एक ऑनेस्टी नज़र आती है। राधिका मदान वैसे ही सीजन है, 3-4 फिल्में वो कर चुकी हैं। तो मॉडर्न लड़की की सोच को लेकर के जो वो जिस तरीके से वो डायलॉग्स बोलती हैं, बिंदास, अच्छा काम किया है। मोहित रायना का प्रेजेंस, अगर मैं कहूँ पर्सनली भी, मोहित रायना जब जब पर्दे पर आते हैं, छा जाते हैं, हमेशा ही एक इम्प्रेसिव तरीका होता है उनका बात करने का। डायना पेंटी बहुत अच्छा साथ देती हैं, और मुझे लगता है डायना पेंटी जो है वो बहुत ही अंडररेटेड एक्टर हैं। उन्हें अगर काम कराया जाए और उन्हें ढंग की फिल्में वो करें, तो वो अच्छा कर सकती हैं। फिल्म की अच्छी बातें, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अगर किसी फिल्म का म्यूज़िक अच्छा है, तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हैं। तो फिल्म का म्यूज़िक ट्रैक जो कि सचिन जिगर ने दिया है, बहुत ही प्यारा है। आप सुनेंगे, आप गाड़ी में चलते हुए सुन सकते हैं। आपको जब भी एक लव ट्रैक की बात आती है, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया भी बहुत अच्छे से गया है, और जो गाने हैं वो बहुत प्यारे हैं। जैसा कि मैंने कहा, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और एक सबसे बड़ी बात है गाइस, थिएटर्स खुल रहे हैं, जाइए फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, और अपनों को याद कीजिए। प्यार की बात हो रही है फिल्म में, शिद्दत की बात हो रही है। आई एम श्योर कि हर किसी के मन में, कोने में कहीं शिद्दत वाला प्यार तो छुपा है।